अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडिज़ॉन। हम फेसबुक सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और आज हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हमारा है कि हम अपने फेसबुक एड सेट के अंदर अपनी लोकेशंस को कैसे सेट कर सकते हैं, हम किस डेप्थ में जाके लोकेशन के अंदर काम कर सकते हैं। यानी लोकेशन को सेट करने के बाद फिर हम देखेंगे किस एज फैक्टर के लोगों को हमने अपनी एड दिखानी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जेंडर जो है, वो आया हमने हमारी जो नीश है वो कौन सी है, ओनली फॉर फीमेल है या मेल है, या हमने दोनों को दिखानी है। चले आए जी, बगैर टाइम जाया किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। जी तो हम आगे अपने एडसेट अकाउंट में क्रिएट कैंपेन करेंगे और हम ये ट्रैफिक कैंपेन जो है ये सिलेक्ट करेंगे। ट्रैफिक कैंपेन हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे कि इसमें मोस्टली तमाम टॉपिक्स क्लियर होते हैं। कंटिन्यू किया और देन हम ये अपने एडसेट में आ जाएंगे। एडसेट में आने के बाद हमारा कन्वर्जन है, उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव, बजट एंड शेड्यूल, ये हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे ये ऑडियंस कंट्रोल के नीचे ये हमारी लोकेशन है, इसको हम एडिट करेंगे। बाय डिफॉल्ट हमें ये पाकिस्तान देता है। लाइक फर्ज करें आप इंडिया में है तो आपने इंडिया अपनी कंट्री सेलेक्ट की हुई है तो बाय डिफॉल्ट आपको इंडिया देगा। अगर हमारा एडवर्टाइजर जो है या हम खुद पूरे पाकिस्तान को ऐड दिखाना चाहते हैं तो जस्ट हम यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे और पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। उसके अंदर ऑडियंस हमारी एस्टिमेटेड ऑडियंस कितनी आ जाएगी, 45.7 मिलियन आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि हम नहीं, हम पैसिफिक एरिया में ये अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। हम किया यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कहते हैं हम पंजाब में दिखाना चाहते हैं, पंजाब पाकिस्तान, ये हम यहाँ पे ये हमारी स्टेट है, ये हम पंजाब पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये आ गया हमारा। अब हम मजीद इसको मजीद स्क्रूटनी करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि पंजाब में भी हम जस्ट सिर्फ लाहौर में दिखाना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान को जब सिलेक्ट किया था तो 45 मिलियन जो हमारी वो ऑडियंस आई थी, हमने जब पंजाब को सिलेक्ट किया तो हमारी ऑडियंस आ गई 23.4 मिलियन। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, हम उसे कहते हैं कि हमें लाहौर सिटी सिलेक्ट करेगी, हमने सिटी सिलेक्ट किया लाहौर, ये हमारा लाहौर सिटी सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें वो कहता है ये देखें कि 10 माइल से लेके 50 माइल्स तक हम इसको एरिया को कवर कर सकते हैं। अभी करंट सिलेक्शन इसकी 25 माइल्स है। ठीक है, इसको मजीद हम स्पेसिफिक मोर स्पेसिफिक कर सकते हैं कैसे, लाहौर के अंदर हमारा एरिया को एक एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जोहर टाउन ये ले आएगा जी, ये जोहर टाउन लाहौर के अंदर ले आया, ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब देखें यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा क्या आया, वहां पे जब हमने पूरा लाहौर सिलेक्ट किया तो हमारे पास ऑप्शन थी 10 माइल्स टू 50 माइल्स, चूंकि हमने मजीद इसको स्पेसिफिक करने चले तो ये आ गया हमारा 1 माइल से 50 माइल्स तक। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कोई एक इंस्टीट्यूट है या कोई एक ट्यूशन सेंटर है, वो चाहते हैं कि हम अपने 3 माइल्स के एरिए में, जोहर टाउन में ही फर्ज करें कोई एक ट्यूशन सेंटर है या कोई इंस्टीट्यूट है, वो चाहते हैं कि हम अपनी एड जो हमारे इंस्टीट्यूट के 5 किलोमीटर के रेडियस में है हम उसको ये अपनी एड दिखाएं। उसके लिए जस्ट यहाँ से आप 5 किलोमीटर कर लें। ठीक है जी, ये देखें ये लाहौर में जोहर टाउन के अंदर जो उसका सेंटर पॉइंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही अपनी एड दिखाएगा। ठीक है जी, ये हमारा सिलेक्शन हो गया कंट्री वाइज, पंजाब वाइज एंड देन सिटी वाइज। फर्दर हम चाहते हैं कि हम अपनी एड एक कंट्री पूरी वर्ल्ड में ना शो करें, लाइक हमारा कोई भी एक ई कॉमर्स स्टोर है, हम उसको 2-3 कंट्रीज के अंदर शो करना चाहते हैं और हमारे पास पेमेंट मेथड है सबके, हम उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है एड लोकेशन इन बल्क, यहाँ पे करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम कंट्रीज। हम कहते हैं हम दिखाना चाहते हैं जी पाकिस्तान, ओके, कनाडा, ओके, ऑस्ट्रेलिया, ओके एंड देन यूनाइटेड, या इस तरह हम एक यूएई कर लेते हैं, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। अब मैच करते हैं लोकेशंस को, लोकेशन को मैच किया, 0 एरर, ये पाकिस्तान आ गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हम ऐड 4 लोकेशन करते हैं, ये आ गया हमारा। अब 4 लोकेशन के अंदर उसने क्या किया ये देखिए, उसने एक लोकेशन ये दे दी, एक लोकेशन ये दे दी, एक लोकेशन ये दे दी। इस तरह हम कंट्री वाइज भी कर सकते, सॉरी सिटी वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि इस तरह भी हम कर सकते हैं। ये हमारा लोकेशन का मामला सारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो ही हमने लोकेशन सेट कर ली, फिर हमसे वो पूछता है कि किस एज के लोगों को आप अपनी एड दिखाना चाहते हैं। हम कहते हैं जी मिनिमम 18 इयर्स से स्टार्ट करें और चला जाए वो 50 तक, 18 से 50 इयर्स ओल्ड के लोगों को हमारी एड डिस्प्ले करे, वो आ गया। देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास जेंडर, ऑल जेंडर, यहाँ पे हम एडिट करके इसको भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी नीश क्या है, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन फीमेल मेकअप जो है उस पे काम कर रहे हैं, देन वी विल सेलेक्ट वुमेन। अगर हम ऑल मेकअप या ऑल फैशन डिजाइन पे काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक लोकेशन का, एज का और जेंडर का क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि हम जो लोकेशन सिलेक्ट करते हैं वो इतनी डेप्थ में जाके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।